नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। बच्चों, इस समय हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले कुछ वीडियो जो है व्याकरण के ऊपर बनाए हैं। हमारी किताब का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो गया था, उसके बाद अब हम व्याकरण में आए हैं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इनकी खासियत ये है कि इन वीडियोज को क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तीनों देख सकते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी भी, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 8, एनसीईआरटी के क्लास 9 और आरबीएसई के, जी हाँ, आरबीएसई की क्लास 10 के हिसाब से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसमें संस्कृत व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इन तीनों क्लासेस में काम आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर उनको लेके हम वीडियो बनाते हैं, चर्चा करते हैं। आज का सत्र बहुत अलग इसलिए है क्योंकि ये सत्र में आज हम कारक को शुरुआत करने वाले हैं। कारक आपने सुना ही होगा, हिंदी में भी होते हैं वैसे ही संस्कृत में होते हैं। संस्कृत में क्लास 6, 7 और 8 में थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज हुआ होगा। अब 8 क्लास से हम थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। तो 8, 9 और 10 तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बड़ा इंपॉर्टेंट होने की वजह से ध्यान से देखें और समझें। बात करते हैं बच्चों हम कारक की। कारक क्या होता है तो बताया गया, कारक जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि क्रिया को संपादित करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया को संपादित करने वाले तत्वों को कारक कहते हैं। लिख देता हूं मैं, कि क्रिया को संपादित यानी कि पूरा करने वाले तत्व, करने वाले तत्वों को कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया को संपादित करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। यानी कोई काम, कोई क्रिया जिस प्रकार से पूरी होती है उसको पूरा करने में जो तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देते हैं उनको हम कहते हैं कारक। सरल भाषा में कारक की परिभाषा यही है। इसके साथ अब हम देखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के भेद क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, उसके लिए एक श्लोक है, मैं श्लोक याद लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से आप देखें और नोट करें। श्लोक लिखता हूं, यह है कारक के लिए। इसके लिए एक श्लोक लिखेंगे और श्लोक के माध्यम से उसको आप याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं। श्लोक है, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म च करणम च, कर्ता कर्म च करणम च। संप्रदान संप्रदान तथेव च, ये श्लोक है बच्चों। संप्रदान तथेव च, उसके बाद ये पहला तो पूरा हुआ है, उसके बाद है अपादानाधिकरणम, अपादानाधिकरणम, अब उसके बाद अंतिम चरण है इत्याहु, कारणानि कारकानि इत्याहु कारकानि षट्। बच्चों, इसी के साथ ही आपका श्लोक पूरा होता है। मुख्य रूप से श्लोक में बताया गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कारक के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में कारक 6 होते हैं, हिंदी में 7 होते हैं। संस्कृत में जो 6 होते हैं वो भी आपने कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ा हो,
अब उनको याद रखने की ट्रिक के लिहाज से आपके लिए ये श्लोक यहाँ पर दिया गया है कि कर्ता कर्म च करणं च संप्रदान तथैव च अपानादिकरणं इत्यादि कारणानुसार। यानी कारक जो छह होते हुए हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणम, ये बच्चों को मिलाकर के छह श्लोक है और श्लोक के माध्यम से छह जो कारक होते हैं वो पता लगा होगा आपको। अब कारक जो छह होते हैं उनके घेर में नाम आपको सरलता के लिए लिख देता हूँ, कर्ता करण करता कर्म, दूसरा होगा बच्चों कर्म, तीसरा है करणम, फिर हमने लिखा संप्रदान, फिर लिखा हमने अपादान, और फिर लिखा हमने अधिकरण। तो जो ये छह हमारे कारक होते हैं, इन कारक को आप अच्छे से याद कर लें और इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लें, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कारक के भेद कितने होते हैं? छह होते हैं, और कारक के भेद में उनके जो श्लोक हैं जिसको याद कर सकें, जिसमें सभी आ जाएं एक साथ, तो वो उसके लिए ये श्लोक आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसके साथ में आप देखेंगे कि कारक जो होते हैं मुख्य कौन कौन से होते हैं, तो वो भी आपके सामने आपके बोर्ड पे लिख दिए गए हैं कि जो हमारे छह कारक होते हैं उनके नाम है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। ये छह हमारे मेन मुख्य जो है कि कारक होते हैं। अब इसको आप अपने नोटबुक में लिखें। अब छोटी जो क्लासेस है एट क्लास को ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो कारक होते हैं उनके सिलेबस में उतना ज़्यादा डिटेल से नहीं है जितना कि नाइन्थ और टेंथ में होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की क्लास एट में भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं कारक का जो आप पढ़ेंगे जो आपको अचंभित कर सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस के लिहाज से बड़े रहते हुए हैं। इसलिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये क्लास एट के लिए लगता है कि वो शायद थोड़ा विस्तार से लगे, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं ना पढ़ाई जो ज्ञान होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, हमेशा काम में आती है। तो एट क्लास वालों के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि इस वीडियो को वो अच्छे से देखेंगे, इसके जो पार्ट निकलेंगे वो अच्छे से अभी क्लियर कर लेंगे, तो उन्हें अगले साल जो नाइन्थ में आएंगे तब और टेंथ में आएंगे तब कारक को पढ़ने में परेशानी नहीं होगी और उनके कारक जो है वो अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और जो नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान दें, उनके लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है, अतः इसको थोड़ा अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के वही कारक वही पॉइंट आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ने लगे विस्तार से पढ़ने लगे तो इसका जो है कि व्याख्या और इसके भेद इसकी जो अर्थ है अलग अलग इन छह कारक के डिटेल बहुत बड़े हैं बहुत विस्तार में। तो हम इसको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए मुख्य पॉइंट क्लास एट और नाइन्थ के तथा टेंथ क्लास के लिए जो उनके सिलेबस में आते हैं हम उन्हीं को ही यहाँ पर चर्चा करेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था शुरुआती कुछ प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी कि कारक किसे कहते हैं। हमने पढ़ा कि क्रिया को संपादित करने वाले तत्व जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं, सरल बात है। उसके कारक के भेद, कारक के भेद में कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपानादिकरणम इत्यादि कारणानि कारकानी शब्द। कारक कितने होते हैं? छह होते हैं। शब्द लिखा हुआ है इसमें, इस श्लोक को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों तो आपको कारक जो छह होते हैं उनके नाम खुद भी समझ में आ जाएंगे। जैसे श्लोक में दिया गया है छह कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, तो ये आपके छह कारक हैं। अब हम बच्चों इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। कर्ता कारक होता क्या है? कर्ता कारक क्या होता है प्रथम विभक्ति में, यानी कर्ता कारक में कौन कौन से अलग अलग उसके भेद हैं, कौन कौन सी जगह पर कर्ता कारक की पहचान होती है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके डिटेल अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे करके हम एक एक करके सारे जो भी आपके कारक हैं ये छह इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देंगे एकदम अच्छे से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक से।
कर्ता कार्य क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ मुख्य रूप से होता है, इसकी पहचान कौन कौन से शब्दों से होती है, इसका पता लगाने की ट्रिक क्या है, तो जो भी आपके सिलेबस में क्लास 8-9 और 10 में है वो हम आपको यहाँ सिलेबस में आपको बताने जा रहे हैं। अब है प्रथम विभक्ति, सबसे पहले जो हमने बात की थी जिसकी प्रथम विभक्ति प्रथम विभक्ति में हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, कर्ता की, कर्ता कारक कहां होता है, उसके लिए मुख्य बात है आपको यहां ध्यान देना है कि जो परिभाषा है जिस सत्ता की जिस सत्ता का लिंग वचन और अव्यय मतलब हुआ जिस सत्ता का लिंग वचन और अव्यय सुनिश्चित हो, पता लगे, सुनिश्चित हो वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। ये आपका जो कर्ता कारक है उसका पहचान के लिए जो आपके लिए फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको आप फॉर्मूले की तरह लें तो फॉर्मूला नंबर जो 1 है उसकी ये डिटेल है। और बच्चों जो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से बात होती है लिंग वचन और अव्यय की, वही यहाँ दिया गया है, इसकी भी गहराई है, इसका भी विस्तार है, इसके विस्तार को हम आपके सिलेबस में चूंकि इतना आता नहीं है इसलिए उस बिंदु पे उन पॉइंट पे नहीं जाते हुए आपको बताते हैं कि जिस सत्ता का यानी किसी सत्ता का किसी बात का किसी वचन को वाक्य का किसी वाक्य यानी कोई सत्ता यानी कोई बात कोई वाक्य का लिंग वचन और अव्यय सुनिश्चित हो, पक्का हो, हमें पता हो, वहां पर हमें प्रथम विभक्ति का ज्ञात होता है, प्रथम विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे उदाहरण है कृष्ण श्री ज्ञान, ये 3 शब्द है बच्चों, शब्द है कृष्ण श्री और ज्ञान। अब आप बताइए कौन सा ये लिंग है, अब इसको देखिए क्या पता लग रहा है, ये 3 जो शब्द है ये अलग अलग लिंग से है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी, कृष्ण मतलब कृष्ण आप जानते हैं कृष्ण नाम, ज्ञान मतलब ज्ञान। तो ये जो उदाहरण है यहां पर बताता है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। ये 3 इसके बच्चों उदाहरण है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इनके हर लिंग से ये ज्ञात होता है कि ये प्रथमा विभक्ति के शब्द है। अगर किसी वाक्य में आपको यही इसी तरह के शब्द आए और कुछ ज्ञात ना हो, इनकी प्रधानता हो क्योंकि ये लिंग है, तो यहाँ आपको सीधे सीधे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक कर देना है, इसको बताना है कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग ये शब्द है अलग अलग, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, ये इसका एक उदाहरण है। अब हम बात करेंगे आगे जाते हुए फॉर्मूला नंबर 2, इसी तरह से ही इसके फॉर्मूला नंबर जो 1 था अलग अलग शब्द आते हैं, उदाहरण तो आप जितना खोले उतना ही कम रहेगा, कितने ही लिखे उतने ही, लेकिन बात समझ के आनी चाहिए। आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो है कि ये क्रिया हमारे मुख्य है, कारक क्रिया तत्व
इसलिए इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अब हम आते हैं दूसरा जो हमने ढूंढना था वचन, पहला था लिंग, अब यह है वचन, वचन मात्र। वचन मात्र में हमें पता कैसा लगेगा, तो वचन मात्र क्या होता है, वचन जानते हैं आप क्या होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन जानते हैं ना, संस्कृत पढ़े पहले छोटी क्लास में पढ़े होंगे उस हिसाब से, ये वचन है एक बहु, एक द्यो बहव है बहुत सारा, और आप चाहे तो गिनती भी ले सकते हैं, ये गिनती एक द्यो या हो जाता त्रय, यह हो जाता बहव, ये गिनती के ऊपर डिपेंड करता है, यानी संख्या वाची मूल रूप से वचन यानी संख्या जो है उसमें अगर आपको कहीं ऐसा प्रतीत हो कहीं आपको दिखे तो वहां पर आप कहेंगे प्रथमा द्यो त्रय बहव, ये मूल रूप से जो है कि आपके वचन मात्र के उदाहरण है, एक मतलब एक, द्यो मतलब दो, दो वचन, त्रय मतलब त्रिवचन, बहुवचन ये एक में ही आते हैं, तो ये वचन मात्र है, कहीं किसी वाक्य में अगर आपका ऐसे शब्द दिखे और उसकी प्रधानता ज्यादा दिखे तो वहां पर आपको प्रथम विभक्ति करनी। अब आइए हम करते हैं तीसरा अव्यय, जो हमारा था टॉपिक अव्यय का, जहां प्रथम विभक्ति है जहां का हमें क्या ज्ञात होता है, आपको बताया था लिंग वचन और अव्यय, यहाँ पर अव्यय है, अव्यय क्या होता है, अव्यय जो होते हैं हमारे शब्द जैसे भी नीचे उच्च अद्य अत्र अद्य अत्र, बच्चों ये अव्ययवाची शब्द है और ऐसे कई सारे शब्द होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आपको बताया गया यहाँ भी आप कितने उदाहरण हो, यहाँ भी लो और ऊपर जो से पहले हमने लिंग वाला पढ़ा था उसमें भी कितने उदाहरण होते कम होते हैं, तो बच्चों ये अव्यय है ऊंचे ऊंचे, नीचे मतलब नीचे, ऊंचे मतलब ऊपर, अत्र अध्य मतलब अब, अत्र मतलब आज, अध्य मतलब होता है आज, अत्र मतलब होता है यहाँ, तो अत्र तत्र सर्वत्र और भी अलग अलग जो शब्द होते हैं जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि ये अव्यय है और किसी वाक्य में इनकी प्रधानता दिखे तो वहां पर आपको इन्हें इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए प्रथमा विभक्ति पहला कारक जो है वो चयन कर लेना है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हुए और हम बताते हैं अगला फॉर्मूला होता है संबोधने, संबोधने च, यानी प्रथम होती और क्या होती है, तो और होती है वो संबोधन में, संबोधन मतलब किसी को बुलाना, किसी को पुकारने के लिए जब हम आवाज लगाते हैं तो संस्कृत में कैसे किसी को पुकारा जाता है, किसे बुलाया जाता है, तो कुछ शब्द लिखे जाते हैं जैसे कि हे राम, भो रमा, हे राम, घोरवा और हे हरे, ये सब उन सबका उच्चारण किया जा रहा है संस्कृत में, बच्चों किसी को पुकारने के लिए जब आवाज लगाई जाती है तो हे राम, घोरवा, हे हरे, हे और भो, ये किसी को आवाज लगाने के लिए पुकारने के लिए मूल रूप से प्रयोग में आते हैं, ये इनके मुख्य पुकारने के उदाहरण है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब इनका जो रूप है पुकारने में पहचान करेंगे जब वाक्य हमें दे दिए जाएंगे तब ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के नहीं मिलेंगे, फिर आपको जो ये शब्द मिलेंगे वो प्रथम विभक्ति एक वचन के लिए मिलेंगे, जैसे कि अपने आवाज लगाई हे राम,
वो नहीं आया है। भो रमा, आपके मूल शब्दों का प्रयोग होंगे राम रमा हरे हरी, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन से भिन्न होगा तो वैसा नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक बच्चों, ये भी इसका प्रथमा विभक्ति का ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा, फॉर्मूला ये कुछ सूत्र है जो क्लास 8, 9 और 10 तीनों को याद होने चाहिए, तीनों के लिए उपयोगी है कि किसी कारक के जो हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जो परिभाषा है वो याद होनी चाहिए और किस कारक में क्या हमें पता लगता है, जहाँ पर हमें ये शब्द मिले तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है इसका पता लगे। बच्चों इसके साथ ही हम अब अंतिम पड़ाव की ओर है, प्रथम विभक्ति की जो पहचान है जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में दिए जाते हैं उनमें एक और दिया जाता है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम अब बात कर रहे हैं ये फॉर्मूला है आपका, इसको आप ध्यान रखें, बात की जा रही है यहां पर उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, ये जो है ये कर्तरी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आपके सिलेबस का टॉपिक है, 8th क्लास में तो नहीं है, 9th और 10th में, पर 8th वाले भी ध्यान देने उनके लिए उपयोगी है। तो ये कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य जो होते हैं, जब आपको किसी भी परिभाषा कहीं पर भी परीक्षा में इस तरह के वाक्य दिखे या कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की प्रधानता हो वहां पर आपको ये सीधे समझ लेना चाहिए कि ये जो वाक्य है ये प्रथमा विभक्ति का है, अर्थात ये कर्ता कारक है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य होते क्या है, सीधी सीधे अक्षरों में आपको बताएं परिभाषा में, तो कर्तृवाच्य जो होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। एक पूरा टॉपिक आता है बच्चों वाच्य, तो वाच्य को पढ़ने के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, एक टॉपिक बनाएंगे आगे जाके, अभी हम कार्य कर्म पढ़ रहे हैं तो हम जो है कि इसको इतना विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि वाच्य जो होते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, 8th क्लास के लिए टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें पता रहे तो उनके लिहाज से ही हम टॉपिक इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे, फिलहाल इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कि जो कर्मवाच्य होते हैं और जो कर्तृवाच्य होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो कर्तृवाच्य अगर कोई वाक्य आपको मिल जाए तो उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य के अगर कोई वाक्य आपको मिल जाए तो वहां पर कर्म की प्रधानता होती है। बच्चों अलग अलग प्रधानता वाले वाच्य है तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो कर्तृवाच्य जो है उसका उदाहरण है राम ग्रंथम पठति, यह हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। क्या उदाहरण है, राम ग्रंथ पढ़ती यानी राम ग्रंथ पढ़ता है, सीधी सी बात है, इसमें किसकी प्रधानता है, कर्तृवाच्य और कर्ता की प्रधानता है। कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, मेन कर्ता जो है उसकी प्रधानता रहेगी, सीधा वाक्य चलेगा। अब आया है दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में हम वाक्य को क्या बनाएंगे, इसी को क्या परिवर्तित हो जाएगा, ये रामेण ग्रंथ पठति। बच्चों इसके भी काफी अच्छे बड़े फॉर्मूले होते हैं, ये वाच्य परिवर्तन वाच्य जो है पूरा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो
कर्मवाच्य जो होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग आ जाता है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। ग्रंथ पठते, पठ्यते आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्राम राम के द्वारा ग्रंथ जो है पढ़ा जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता है कि राम के द्वारा किसको पढ़ा जाता है? ग्रंथ को पढ़ा जाता है। और यहाँ कर्तृवाचक क्या था? राम। ग्रंथ को कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो बच्चों ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कर्तृवाचक वाक्य होते हैं कि राम के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है। कर्मवाच्य जो है हमारा राम के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है, कर्तृवाच्य था राम ग्रंथ पढ़ता है। यानी सीधा ना जाकर के बात को घुमा करके कहे, जिसमें अलग किसी और की प्रधानता हो, उसमें ऐसे वाच्य जो होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में प्रथम विभक्ति होती है। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा हम देखें विराट कोहली के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, विराट कोहली के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये कौन सा वाक्य हुआ? ये वाक्य हुआ कर्म वाच्य। किसके द्वारा खेला जा रहा है? विराट कोहली के द्वारा। किसको खेला जा रहा है? क्रिकेट को। तो क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर कर्म हो गया। और कर्तृवाच्य कर्ता जिसकी प्रधानता है तो उसके लिए वाक्य क्या होगा? विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। हम लोग सोचेंगे क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलता है? विराट क्रिकेट है पर उसको खेलने वाला कौन है? विराट कोहली। तो उसकी प्रमुखता किसकी हुई यहाँ पे? विराट की। तो ये कुछ इसका और भी फॉर्मूले हैं जो आपको अगले विस्तार से वीडियो में बताए जाएंगे जब इसका हम बनाएंगे, लेकिन आपको बेसिक बता दिया जाए तो ये वाच्य जो होते हैं उक्त जो वाक्य वाच्य दिए जाते हैं कर्तृ यानी कर्तृ मतलब कि कर्ता वाली प्रधानता जिसमें हो, कर्मण यानी कर्म की प्रधानता जिसमें हो, उसमें भी कौन सी होती है? प्रथम विभक्ति होती है। ये आपके लिए एक बेसिक था, प्रथम विभक्ति यानी कि कर्ता कारक का जिससे हमें ज्ञात हो उसके लिए आपकी वीडियो बनाई गई है बच्चों। और इसके और भी कई अलग अलग भेद उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सब पे हम ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि वो हमारे टॉपिक में उतने आते नहीं हैं। हमारे सिलेबस में क्लास 8th, 9th और 10th में जो इसकी प्रथम विभक्ति की और परिभाषा है और उसके उदाहरण है वो उतने आते नहीं हैं। तो इसलिए बच्चों हम अभी इतना ही लिख रहे हैं और यही सब आपके प्रथम विभक्ति का मेन मुख्य है। इसके बाद अब वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। दूसरा जो वीडियो बनेगा, अगला वीडियो, उसमें हम द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म की बात करेंगे। ये कर्ता की कर्ता कारक था, अब कर्म कारक अगली वीडियो बनेगा। तब तक के लिए बच्चों आप बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप हुआ उसके माध्यम से, या फिर कॉल हुआ तो कॉल के माध्यम से आप मुझसे पूछना, और इसको अपने नोटबुक में अनिवार्य रूप से उतारना। तो आज के लिए इस वीडियो में कर्ता कारक में इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे किसी नए यानी कि दूसरे टॉपिक कर्म कारक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।